Sean give me. Mary? I give Sean. डर गया, अभी खामोश हो गया. टूटू टूटू खाना खाया? टूटू ये वैसे बड़ी बातें करता है, अभी कैमरा इसने देख के ना परेशान हो गया. माँ जी का ये भाई आज के खाने का मेन्यू है और कीमा बन रहा है. और ये क्या, व्हाट इज दिस? वाह जी वाह, बेहतरीन. कहाँ जा रहे हैं रियान हुरिया आप? चलें फिर भाई. मेरा है तकरीबन 60-70 केजी राउंड अबाउट वेट. चल झूठा मेरे ख्याल में, बाकी आप लोग अंदाजा खुद ही लगा लो भाई मेरी फिजिक से देख के कितना वेट होना चाहिए. और मैं रियान के साथ कर रहा हूँ सीसॉ. वेरी नाइस क्लैपिंग. सारे ने सारे जेड़े ने कई सब मुकाए ने थने शतूत हैं उन्हें लाए नहीं थे सब सिलाए नहीं ना खाओ. अलिफ सीन लाम रे फीम. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियान एंड हुरिया व्लॉग्स. यार आज है ईद का दिन और 22 अप्रैल 2023. अच्छा सुबह सुबह सबसे पहले घर में मैं उठाऊँ, और इस टाइम आप देख सकते हो मेरी हालत क्या है. नींद मुझे आई भी है लेकिन यह है कि मैंने मोबाइल पे अलार्म लगाया हुआ था इसलिए मेरी आँख खुल गई. अच्छा ठीक है. 6:30 हुए हैं सुबह के और अभी तैयारी करनी है और सारे घर वालों को उठाना है ईद की नमाज के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 7:30 बजे ईद की नमाज़ है. और बाहर के इस टाइम आप लोग ये वेदर चेक करो, बारिश हो रही है भाई सुभान अल्लाह, और ठंड हो गई है यार, मतलब अच्छा वेदर है बहुत. मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ ईद की नमाज के लिए और सबसे पहला काम ये करना है कि खीर खानी है, क्योंकि ये सुन्नत अमल है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ मीठा खाया करते थे, तो उसी सुन्नत पे चलते हुए आपका भाई जो है वो बाइट लेने लगा खीर की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रात को भी यही कपड़े पहने हुए थे और अभी भी यही पहननी है, तो यार आपके पास भाई के साथ वही है कि भूल गया हूँ मैं कपड़े इस्त्री करना रात को. मेरा ख्याल था कि शायद मैंने कहा बेगम मेरी ने कर दी है, और उनका ख्याल था कि मैंने कर लिए होंगे. तो सुबह देखा तो इस्त्री नहीं हुए हुए थे, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ईद की नमाज़ पढ़नी है, अभी तो लेट हो रहा हूँ, इस्त्री नहीं हो सकते, वापस आके चेंज कर लेंगे कपड़े. ये जा रहे हैं अब्बू आगे आगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लिल्लाह इल्हम. ये मस्जिद आ चुकी है भाई, यहाँ पर मैंने ईद की नमाज़ पढ़नी है. मस्जिद जाते हुए भाई ये सुन्नत है कि आप जिस रास्ते से जाते हो ना ईद की नमाज़ पढ़ने, वापसी भी जो है वो अगर पॉसिबल है तो आप रास्ता अपना चेंज कर लें, मतलब दूसरे रास्ते से घर आएँ. अस्सलाम वालेकुम. मुझे नहीं पता था आप पीछे पीछे आ रही है. भैया ईद की नमाज़ पढ़ ली है और ये सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो ईद मिल रहे हैं. और आते हुए मैं इस रास्ते से आया था और वापसी पे जाते हुए इस रास्ते से जाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब. अस्सलाम वालेकुम शहजादे, ईद मुबारक. आप उठ गए? ईद मुबारक. ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. आप दोनों कब तैयार हो गए भाई ईद के लिए? दोनों बच्चे उठे हैं अभी अभी और इन्होंने खीर स्टार्ट कर दी है खाना, अब इनको तैयार करना है और फिर ईद की जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी इंशाल्लाह. यार ये मैं बात कर रहा था कि ये जो खीर के ऊपर आती है ना ये मोटी सी तय क्रीम की, ओए होए होए होए, ये भाई मुझे लगती है बहुत मज़े की. जबकि अगर आप बड़े प्याले से डालते हो ना तो जाहिर सी बात है आप इस तरह से डालते हो और वो ऐसे आती है, उसका मज़ा नहीं आता खाने का. तो भाई दिस इज़ बेस्ट. जी मानो क्या कह रही हो आप? मानू ने अभी तक कपड़े नहीं पहने ईद के? नहीं भी नहीं पहने. चलो अभी आप लोग दोनों पहनो, ठीक है मानो कपड़े पहनो. ओके ओके, फिर आपको ईदी मिलेगी ठीक है. ओके मानो कपड़े पहनने लगे हो ना? मैं भी पहनने लगा हूँ. ठीक है मैं भी पहनने लगा हूँ. अल्लाह हाफिज़.
ये चना चाट और खीर जो है ना ये ईद के मौके पर स्पेशल बनती है और चना चाट मेरी फेवरेट है इसलिए मैंने ये यहाँ पे डाल लिया। अस्सलाम वालेकुम बेगम। ईद मुबारक। जी पहले आप मुझे ईदी दे रहा है। ईदी जा रही है, ईदी जा रही है, लेकिन ये याद रखेगा अगर इन्होंने मुझसे ईदी दी तो नेक्स्ट व्लॉग में ये मैं डिस्क्लोज कर दूंगी। यार आप ईदी मैंने प्रूफ के साथ दी है। मूसा ये आपकी ईदी, मूसा मूसा ईदी, ये देखिए जी ये हमारा कितना क्यूट सा बच्चा है। और अब चलते हैं आखिरी वालों को ईदी देने चलते हैं। ईदी टाइम हो गया स्टार्ट। हाँ जी ईदी टाइम हो चुका है। ओहो इतनी टाइम हो गया स्टार्ट। ये क्या देती है बड़े भाई ने आपको, दिखाओ। वाओ आप भाई को दो, ये नहीं ये भाई को दो, ईद मुबारक जान। ये ले हां ये आईडी चावा, ईद मुबारक मानो, ईद मुबारक। ये मानिया ने देखे जी उसको हुरिया को बहुत प्यारा सा एक तोहफा दिया है। रेहान एंड हुरिया फैमिली की तरफ से तमाम चाहने वालों और हमारे सब्सक्राइबर्स को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। मेरे जितने गैर शादीशुदा भाई हैं मुझे पता है भाई आप लोग इस टाइम जो है ना नींद पूरी कर रहे होंगे, नमाज पढ़ने की ईद के बाद जो आके सो गए होंगे और शाम को आराम से उठोगे, चिल आउट करोगे, फिर बॉयज़ में निकलोगे, पार्टी शार्टी करोगे। तो भाई शादीशुदा जितने भी हैं उनको पता ही है भाई ईद के पहले दिन नमाज के बाद आपको क्या काम करना होता है। बिल्कुल सही समझिए आप, ससुराल डे, ससुराल जाना है और ईद मिलनी है उनसे और उसके बाद फिर फ्री होके देखेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट क्या करना है। रिलेटिव्स को ही पहले दिन यूजुअली बंदा मिलता है तो उसके बाद किसी रिलेटिव वगैरह को मिलेंगे। सेकेंड डे जो है वो कहीं बाहर घूमने फिरने का होगा और थर्ड डे में जो है वो फ्रेंड्स वाला डे होता है क्योंकि उस टाइम तक ईद शीद गुजर चुकी होती है भाई, तो बंदा दोस्तों में टाइम दे लेता है। फिर आजो आजो मम्मा पास, आजो मम्मा पास। क्या कर रहे हो जी टूटू? हाँ टूटू है जी। जी कौन है? मुझे पता नहीं था कौन है। जी टूटू है, झूले दो टूटू को, झूले दे दो, बैठो ऊपर आजो आजो आजो। ये देखे भी जिन्होंने रखा हुआ है ना उनके साथ कितना ये हिला हुआ है। मैं पहले लेके आया हूँ कैमरा, ये खामोश हो गया डर के और अब बोलना शुरू हो गया। जी चले हाँ टूटू है तू। ले जी बहनों और भाइयों हम अपनी पहली डेस्टिनेशन आज कंप्लीट करने के बाद मतलब ससुराल से ईद मिलने के बाद एक बार फिर से ऑन रोड है। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन होगी है कंप्लीट, सेकंड डेस्टिनेशन है हमारी एक और रिलेटिव के घर और वहाँ पे रात का आज हमारा खाना भी है तो अभी बस वहाँ पे चलते हैं। और आपके भाई के वही कपड़े हैं और ये भाई बाकी सब लोगों के कपड़े जो हैं वो देख ले सकते हैं आप, चेंज हो चुके हैं। और मेरी सारी बहनें जो है ना वो इस बात से इत्तफाक करेंगी कि भाई लेडीज़ की कपड़ में जो है ना वो तो कपड़े होते ही कोई नहीं है ना बिल्कुल। और बच्चों के जो सीन है वो तो वैसे ही जो है इन्होंने 10-15 मिनट के बाद कपड़े गंदे कर देने होते हैं तो इनके तो जितने भी कपड़े हों उतने काम है। क्या कहती हैं आप इस बारे में? जरूर, है ना। और भाई ये जो है ना 30 दिन के बाद जो है ना वो पेट कह रहा है कि वसन भाई थोड़ा आसरा करें, बस कर दें, क्योंकि भाई जिस घर में जा रहे हैं ना आज वहाँ पे खीर, दही बल्ले और चना चाट ये तो मस्त आइटम है। और आपके भाई ने खा के ना आज फुल जो है ना 30 दिन में जो डाइटिंग की थी ना वो आज आपके भाई ने पूरी कर ली है। ये देखिए क्या कर रही है हुरिया। हुरिया क्या कर ली हो? कार्टून देख ली है। ये देखिए जी मेरी बेटी ने आज पहनी है, इस वक्त सुबह इसने पहना था लहंगा और अब क्या पहना है इसने, मैक्सी। क्या पहनी है आपने हुरिया? मैक्सी। गुड भाई ये आज ईद का पहला दिन और ये आप चांद देख सकते हो माशाल्लाह से कितना बड़ा है। भैया 30 रोजे ही थे ना हमारे, 29 तो नहीं थे, ये कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया? मैडम जी ये आपने मेरी लेदर की जैकेट के जो वॉलेट बना लिए अच्छा मुझे थोड़ा सा लोन मिलेगा? नहीं नहीं कोई लोन नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर कपड़े हैं। आपने कहा पर्स है, पैसे हैं? पैसे मैंने उसमें रखे हुए छुपा दिए। यार वैसे माशाल्लाह से बड़ा प्यारा पर्स है ये। जी जैकेट, ये बेसिकली जैकेट, ये ना स्टाइल ही ऐसा है क्योंकि जैकेट बनी हुई है। माशाल्लाह हुरिया कितनी प्यारी मैगजीन मेरी बेटी की।
अब इसका तो ऐसा मूड नहीं है क्योंकि आज दो दफा तैयार हुई है। सुबह पहले इसने लहंगा पहना है सन, और अब ये चूंकि मैक्सी पहनाई है। इस वक्त आपको पता है, इस वक्त तो आप किसी के घर आए और उनको दिल है कि बस किसी चीजों में उंगली डालें। असल में बच्चे जो है वो भी थक भी गए हैं ना थोड़ा सा। थक गए, आप क्या कर सकते हैं। देखें, और इनका इंटरेस्ट जो है ना वो खेल कूद में है। दोबारा कपड़े पहनना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं भाई पार्क, इनके घर के पास एक पार्क है, और हमने कहा आज बच्चों को पार्क लेके चलते हैं और इनकी भी थोड़ी सी याशी करा देते हैं। दरअसल ईद का पहला दिन है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, चले पार्क जा रहे हैं, और यह कि मैं भी खुश हो जाऊंगी, ये भी खुश हो जाएगी झूला पार्क झूला लेके। आप भी खुश हो जाएंगे, आप छोटी बच्ची। नहीं वैसे मुझे ना झूला लेने का बहुत शौक है, मैं ना वो लेती होती थी पिंक, हम लोग हो गए हैं पार्क में एंटर, और आज चूंकि ईद का दिन है और सिर्फ हम लोग ही हैं पार्क में, बाकी आप पार्क नहीं है। बाकी पार्क असल में लोग जाहिर सी बात है रिलेटिव आगे पीछे मसरूफ है ईद की वजह से। इसका मतलब हम बहुत फारिग हैं क्या? नहीं, कह दो कि ये झूठ है कि जो हम इधर आ गए हैं। वो देखिए जी, चलें इनको थोड़ा सा दिलाते हैं झूला, रियान को उधर लेने देते हैं, फिर वो आ गया ना हम लोग। वाओ, रियान एंजॉय कर रही हो, वेरी नाइस। ये भी इनका बिल्कुल दिल नहीं है दोनों का घर जाने का, बस लास्ट है आपकी है दोनों की। मैं ठीक हूं। कपड़े खराब हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आए। चलो चलो बानिया आ गई है, बानिया आ गई। ठीक है, कभी बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा घर जाने को, जाना पड़ रहा है हमें। भाई पार्क आके जून से ना वो ये तो लाजमी सी बात होती है कि बच्चे कहते हैं भाई हमें यहाँ पे ला के छोड़ दो बेशक 4-5 घंटे के लिए, और बच्चों में माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से एनर्जी इतनी होती है कि वो थकते नहीं है और उनका दिल करता है कि भाई खेलते रहे बस। ये देखें जी, इसको ये पार्क से निकल नहीं रही थी, और अब ये कि इसको नींद आ गई है। वैसे हकीकत में यह दिल इसका ये था कि पार्क में रहा जाए, लेकिन चूंकि ये रोने लग पड़ी थी, और बच्चे को अक्सर ना जब हल्की सी नींद आ रही हो ना तो उसे रोते वक्त ये ज्यादा याद आ जाता है कि मुझे नींद आ रही है। तो मैं अपनी बेटी को एक पारी कर दूं? जी कर दूं। आ गई है माया। हाँ वानिया आ गई है। चलो आओ नीचे, चलो भाग के, चलो भाग के, चलो रनिंग रनिंग, वेरी नाइस, गुड गर्ल। ध्यान से ध्यान, कपड़े नहीं खराब कर देने मेरे बच्चों ने। यार ऐसी भी कोई नहीं यार, रहने दी दी यार। चल अब डाल ही दिया तो दे दी लेवल अप, बहुत शुक्रिया। ये भाई जी ये जो सर हम नया रिवाज कायम कर रहे हैं कि वैसे नॉर्मली बड़े देते हैं छोटों को ईदी, तो हम छोटों से ले रहे हैं ईदी, और ये भाई जोनसन ना एयर मेल हम जोनसन ना में रिसीव हुई है। थैंक यू यार, खोल के देख लो। हाँ ये भी यार खोल के देख ले, खोल के देख ले यार। सीबी ये दिखाएं जरा, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, पैसे आपने निकाल लिए, वैसे धोखा किया। ये भाई पैसे इसके हाथ में है, ये चेक कर सकते हो। ये काफी है, ये काई साहब ने जो सा ना एक दरियाफ्त किया दरख्त शहतूत का है, ये ग्रीन कलर के पर ओए होए 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 होए, क्या ये मीठे हैं। ये चेक करें भाई, ये यहाँ से मैं एक शहतूत तोड़ता हूँ, चेक करके बताएं भाई। ये ग्रीन, इसका रंग ग्रीन है ना, हैं मीठा ग्रीन है, और ये इतना मीठा मैंने वैसे आज तक नहीं खाया। अच्छा हैं, नहीं खाया मैं। और अगर बहुत ज्यादा खाने हैं तो ये ऊपर चढ़ जाओगे, बच्चे खेल रहे हैं इसमें, ऊपर ज्यादा अच्छा इसका है। खाना रेडी हो चुका है, और इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।